गाइस बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को अब लगभग 1 महीने का वक्त बचा है, मगर बॉलीवुड ने सिनेमा हॉल में धूम धड़ाका करने की पूरी तैयारी अभी से कर ली है। कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की सिंघम अगेन दिवाली पर थिएटर में क्लैश होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई हफ्तों तक चले क्लैशों के बाद दोनों मूवियों के मेकर्स ने पक्का कर दिया कि वो इस रिलीज डेट से पीछे नहीं हटेंगे और बॉक्स ऑफिस पर डटकर आमना सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच में दोनों मूवी एक ही दिन रिलीज होगी? अब आप सोचेंगे, जब कन्फर्म हो गया है तो फिर ये सवाल क्यों? तो भूल भुलैया 3 को शुरू से ही दिवाली 2024 रिलीज कहा गया था, मगर सिंघम 3 पहले स्वतंत्र दिवस पर रिलीज होने वाली थी। अजय देवगन की मूवी टली और इनकी नई डेट दिवाली 2024 रखी गई। रिपोर्ट आने लगी है कि दोनों मूवियों के मेकर्स चाहते कि सामने वाला मूवी की रिलीज डेट टाल दे। फिर खबर आई कि कार्तिक आर्यन ने भी अजय देवगन से अपनी मूवी टालने की रिक्वेस्ट की है। ये खबर एक तरफ से आती रही, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बयानों के बमों के साथ फैन वार्षा की फुल झड़िया भी जलती रही। आखिरकार रिपोर्ट्स आई कि रोहित शेट्टी सिंघम 3 को दिवाली पर ही रिलीज करेंगे और मूवी का टीजर 3 अक्टूबर को रिलीज होगा। उधर भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने डेट अनाउंसमेंट वीडियो टीजर और बाकी मटेरियल शेयर करना शुरू कर दिया है। किसी भी प्रमोशन मटेरियल के साथ भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने रिलीज की एक पक्की डेट नहीं शेयर की है, सब पर दिवाली 2024 से लिखा है। दूसरी तरफ सिंघम 3 की तरफ से भी ऑफिशियली रिलीज डेट नहीं आई है। इससे सवाल उठता है कि क्या दोनों मूवियों के मेकर्स आखिर मौके तक बाजी पलटने का पैतरा आजमाने के लिए रुके हुए है। दिवाली की ऑफिशियली छुट्टी 1 नवम्बर की है और इस तारीख को शुक्रवार भी है। ट्रेंड के हिसाब से शुक्रवार को ही सारी मूवीज ज्यादा रिलीज होती है, मगर आजकल मेकर्स को गुरुवार से भी परहेज नहीं रहता, खासकर जब मामला क्लैश का हो। इसमें डंकी का ही उदाहरण है। ऊपर से रोहित शेट्टी को गुरुवार से कोई खास परहेज भी नहीं रहा है। उन्होंने सूर्यवंशी गुरुवार को ही रिलीज की थी और ये मूवी तगड़ी ओपनिंग लेकर आई थी। अब सारी नजरें इस बात पर लगी हुई कि भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 में से पक्की वाली रिलीज डेट पहले कौन अनाउंस करेगा। दोनों ही कामयाब फ्रेंचाइजी की मूवी है और दोनों की ही कास्ट बहुत ही बड़ी है। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित है और सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ पूरी पुलिस फोर्स है। करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, रणबीर कपूर, बहुत बड़े बड़े स्टार है। अब देखना होगा किसका सिक्का चलता है इस दिवाली पर। तो दोस्तों, आगे भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।